हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी होने वाला है आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ग्राफ पर बेस्ड है, जिसमें आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया जाएगा। कार्टेशियन प्लेन मीन्स ग्राफ पेपर होगा और उसमें आपको प्लॉटिंग करना या आपको उसमें उसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन का पता होना ज़रूरी है, जो कि आप अपने जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन है, ओके, इस नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि एक ज़ीरो होता है और एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओके, और दूसरी तरफ क्या होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ओके। तो जहाँ ज़ीरो से जब इस डायरेक्शन को जाता है, तो यहाँ तो आप क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और ज़ीरो के इस तरफ क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो आप जानते हो, या आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था नंबर सिस्टम में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन के शेप में किस तरह का होता है, ग्राफ पेपर होता है, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मान लीजिए हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। यही हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव एक्स होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स होता है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, उसको हम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ वो नेगेटिव वाई होता है, ओके। याद रखेंगे जब भी आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो उनमें एरो जरूर लगाएं, ओके। ये वो पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होता है। आप देखें कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन में देखिए, इस तरफ एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, नंबर लाइन बनाएंगे तो उनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए, ओके। ये 1 2 3 4 5 6, ये इस तरफ पॉजिटिव है तो देखो सारे नंबर्स जो हमारे पॉजिटिव है, ओके। इस तरफ एक्स नेगेटिव है तो हम इस तरफ जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, और इन नंबर्स के बीच का जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होगा, ओके। मींस जो यूनिट आप लेंगे वो इक्वल लेंगे, ओके। अब यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर जो जाती है वाई, देखो हमारा पॉजिटिव है इधर, तो हम इधर भी पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। इस तरह हमारे पास नेगेटिव वाई है, हम यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ओके। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है या इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वली होना चाहिए। ये तो आपको कार्टेशियन प्लेन में देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट को हम उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओके। ये तो हो गया ओरिजिन, और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, ओके। और ये वाई एक्सिस होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओके। अब यहाँ देखिएगा कि x एक्सिस और y एक्सिस ने इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। तो हम यहाँ से राइट हैंड से शुरू करते हैं। जो राइट हैंड में जो ऊपर वाला को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ओके। इसमें जहाँ ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकली होता है
और एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको सब बता दें, कोऑर्डिनेट्स पता चल गया आपको, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो भी पता है, और ऑरिजिन किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अब है, हमारे लेसन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स उन्हें कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ओके, इट मींस एब्स, इट मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स जहाँ होंगे, जिस पॉइंट पे ये लोकेट होंगे वो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। ओके, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एब्सिसा किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस होते हैं यानी कि एक्स को, और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे वाई। ओके, तो इस तरह से ये जो एक्स एंड वाई हैं ये हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमेशा ये याद रखेगा, एक्स पहले होता है यानी कि एब्सिसा पहले होता है, y बाद में होता है यानी कि ऑर्डिनेट y होता है, यानी कि आपको सबसे पहले x लिखना होगा उसके बाद y होता है। इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ओके, तो इस पॉइंट P को x एंड y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बोलेंगे कि x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट। अच्छा, हमारे पास जब यहाँ पे फोर कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि जो एक्स एक्सिस है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। उस बेसिस पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आप यहाँ देखोगे तो एक्स जो है पॉजिटिव है, ओके, और वाई जो है पॉजिटिव है। इट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या हैं? पॉजिटिव होंगे। ओके, यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स क्या है? नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव। इस वजह से इस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आएंगे जिसमें एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो। थर्ड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स एंड वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट वो है जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है, एब्सिसा पहले होता है, वाई जो होता है वो बाद में लिखा जाता है, जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जब एक्स एंड वाई किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करता है तो हम बोलेंगे कि एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है और ये जो पॉइंट पी है उसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, जो ये एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स हमने देखे यहाँ पे पी के, वो क्या होते हैं असल में? वो ये बताते हैं कि जो ये पॉइंट पी है वो एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट पी है उसमें वाई, पी पॉइंट वाई से कितने डिस्टेंस पे हैं। ओके, हम ग्राफ में सीखेंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें। ओके, दूसरी चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि अगर हमें ग्राफ में कोई पॉइंट दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करें वो पता करेंगे। अब हमें मान लिया जाए कोई ये एक पॉइंट है यहाँ पर, इसे, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक्स एंड वाई क्या हैं। आपको क्या करना है, आपने अपने कार्टेशियन प्लेन में यहाँ से इसको ऐसे करके ले जाना है, स्केल से देखना है, तो ये कहाँ पे आके मिल रहा है? वाई पे। और यहाँ से आप देखेंगे ये कहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है? टू पे। अब मैंने आपको कहा था कि x पहले होगा, y पहले बाद में होगा, तो x एक्सिस तो ये है, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पहले है? टू आ रहा है, ओके, कॉमा, और फिर ये y एक्सिस है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है? फोर आ रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं टू कॉमा
फोर, यानी कि ये तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ओके। टू तो एक्स हो गया, फोर वाई हो गया। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये के पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट को आप यहाँ से इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये आके टू पे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आगे -3 पे। -3 कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स -3, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? टू। ओके, तो हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, वो है -3, 2। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस का है, ये एक्स है और ये वाई है। इस तरह से हमने पी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इसको नाम, ये डी पॉइंट है, ओके। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको इससे मिलाइए और आप इसको इससे मिलाते भी जाइए, तो यहाँ देखिएगा कि डी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। डी किस पे आ रहा है? एक्सिस पे, देखो 3 पे आ रहा है, कॉमा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसका? डी का कोऑर्डिनेट दूसरा क्या है? -5। तो डी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, वो है 3, 5। मीन्स ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 2, 4, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5। इस तरह से आपको ये पॉइंट्स दिए जाएंगे, ओके, और आपको उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। इतना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ओके। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे? देखिए, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनको इस ग्राफ में, कार्टेशियन प्लेन में आपको प्लॉट करना है, ओके। जैसे बी है, बी के कोऑर्डिनेट है -5, 3। इट मींस पहले वाला एक्स हो गया, दूसरा वाला वाई हो गया, ओके। अब आपको ये पहचानना है कि ये जो एक्स है कौन से वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक्स जो है यहाँ पे कितना है? -5, यानी कि आप माइनस की तरफ देखेंगे, ओके, नेगेटिव की तरफ। तो -5 तो ये रहा एक्स एक्सिस का, वाई पॉजिटिव है और वो है 3 और यहाँ है वो 3। जब आप स्केल से या कार्टेशियन प्लेन से आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे आएगा, ये हो जाएगा, ओके। तो ये बी पॉइंट हो गया आपका और इसके कोऑर्डिनेट्स है -5, 3। ये कौन सा पॉइंट है? बी। नेक्स्ट है क्यू पॉइंट, ओके, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -2, यानी कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ओके। एक्स पॉजिटिव ले लिया, हमारे पास ये 4 है। वाई क्या है? नेगेटिव। तो वाई यहाँ है तो -2, ओके, -2 है। तो ये है -2 और ये है 4। आप इसको आगे बढ़ाइएगा ऐसे, और इधर से भी इसको आगे बढ़ाओ, को पॉइंट मिल जाता है 4, -2। ये है कोऑर्डिनेट्स क्यू के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमारे -3, 0, ओके। अब देखो, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये है माइनस में, ये कौन किस में है? ये एक्स जो है -3 गिवन है, यानी कि आप इस तरफ देखेंगे, माइनस की तरफ देखेंगे तो एक्स हो गया -3, वाई है 0, वाई है 0। तो यहाँ एक्स है ये, तो यहाँ वाई पे, यहाँ पे ये आ गया, वाई तो 0 हो गया। वाई क्या है यहाँ पे? ये तो 0 है और एक्स 3 है, -3 तो ये हो गया और एक्स ये, ओके। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स किसके? ई के, -3, 0। इस तरह से ग्राफ में प्लॉटिंग की जाती है। आपको ऑलरेडी प्लॉटिंग किया हुआ ग्राफ दिया होगा और आपको उसमें से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। इस तरह से मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत इजी वे में जितना हो सके सिखा सकूं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।